हेलो दोस्तों, क्या है जियो फोन मानसून हंगामा ऑफर और कैसे मिल सकता है 501 रुपए में आपको जियो का फोन। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं मेरे चैनल पे तो मैं हूं आपका होस्ट रवि और आप देख रहे हैं आर के इन्फोजोन। चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और मैं आपको बताऊंगा सारी डिटेल्स आप कैसे ले सकते हैं जियो का फोन सिर्फ 501 रुपए में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या है जियो फोन मानसून हंगामा ऑफर और 501 रुपए में कैसे मिलेगा फोन, मैं सब कुछ आपको बताऊंगा डिटेल में इस वीडियो में। सो सबसे पहले बात करूं तो रिलायंस जियो कंपनी ने अभी एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की है अपने ब्रॉडबैंड और जियो फोन 2 को लेकर। साथ ही कहा है कि पुराने जियो फोन को जल्दी दुनिया के 3 बड़े ऐप्स मिलने वाले हैं जैसे यूट्यूब, फेसबुक और व्हाट्सएप। यानी 1500 रुपये वाले फ़ोन में अब आप व्हाट्सएप भी चला सकेंगे। इसके लिए कंपनी जल्दी अपडेट जारी करेगी और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि मानसून हंगामा ऑफर भी लॉन्च किया जाएगा जो 21 जुलाई 2018 से शुरू होने वाला है। तो चलिए जानते हैं और क्या क्या है इस ऑफर में और 501 रुपये में कैसे मिलेगा आपको जियो फ़ोन। तो मैं आपको बताऊं, दरअसल जियो का ये मानसून ऑफर एक तरह से एक्सचेंज ऑफर है। जियो के मानसून ऑफर की शुरुआत 21 जुलाई से होगी और इस ऑफर के तहत किसी भी पुराने फ़ोन के बदले जियो का 1500 रुपये वाला फ़ोन आप 501 रुपये में ले सकते हैं। यानी आप किसी भी कंपनी का कोई भी पुराना फीचर फ़ोन लाकर 501 रुपये के साथ जियो के नए फ़ोन को एक्सचेंज कर सकते हैं। 1500 रुपये वाला फ़ोन घर ले जाने के लिए आपको कुछ बातों को ध्यान भी रखना होगा कि आप पुराने जियो फ़ोन को वापस करके नया जियो फ़ोन नहीं ले सकते। पुराना जियो फ़ोन 3 साल बाद ही वापस होगा। सो दोस्तों, इसमें एक कैचिंग पॉइंट ये है कि अगर आप सोच रहे हैं कि आप अपना पुराना जियो फ़ोन देकर नया फ़ोन ले सकते हैं जियो का, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने किसी भी पुराने फीचर फ़ोन को लेकर नज़दीक के लाइन स्टोर, जियो स्टोर या रिटेल स्टोर पे जा सकते हैं। पुराने फीचर फ़ोन को 501 रुपये के साथ एक्सचेंज करके 1500 रुपये वाला जियो फ़ोन खरीद सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दूं कि अगर आप नया वाला जियो फ़ोन लेना चाहते हैं तो आपको 15 अगस्त तक का इंतज़ार करना होगा और इसके बाद जियो फ़ोन 2 को 2999 रुपये में खरीद सकेंगे। जियो फ़ोन 2 की खासियत यह है कि इसमें 2 सिम का सपोर्ट मिलेगा, साथ ही आप एक मेमोरी कार्ड भी इंसर्ट कर सकते हैं।